अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आपको याद होगा कि आपको जब आप आई चेकअप कराने गए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा सा आपको रीडिंग पावर आ गया है। तो रीडिंग पावर, तो रीडिंग चश्मा आप लेते नहीं हैं। पता चला कि आप दुकान पे गए चश्मे वाले को, चश्मे वाले ने बोला भैया आपको प्रोग्रेसिव ले लीजिए क्योंकि कंप्यूटर यूज है। तो आपने क्या किया, प्रोग्रेसिव लेंसेज ले लिया। ठीक है, आप हैं फर्स्ट टाइम प्रोग्रेसिव लेंस यूजर और आपको पता नहीं है लेंसेज कैसे मतलब काम करेगा, पता नहीं कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा। तो सिर्फ एक बात आपको ध्यान देना है कि अगर प्रोग्रेसिव लेंस में सभी मेजरमेंट करेक्ट हैं, आपके पावर करेक्ट है, फिटिंग हाइट करेक्ट है, पीडी करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है, तभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा कि कैसे प्रोग्रेसिव लेंस आपको एडाप्ट होगा। बट पता चला पावर ही रॉन्ग है, फिटिंग ही रॉन्ग है, या फिर पीडी रॉन्ग है, तो फिर वो चश्मा जो आपने लिया है ना, मैं जो ये तरीका बता रहा हूँ ये आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। तो देखिए, जब भी आप प्रोग्रेसिव लेंस लेते हैं बहुत खुश रहते हैं उस समय कि मुझे तो प्रोग्रेसिव लेंस आ गया, बहुत अच्छा है। ठीक है, बट जब वो डिलीवरी उसकी होती है तो आपका मन उदास हो जाता है कि यार कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप पहली बार प्रोग्रेसिव लेंस लेते हैं ना, सिर्फ तीन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। तीन चीज़ें सिर्फ, वो तीन ऐसी कौन सी बातें हैं उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको प्रोग्रेसिव लेंस से कभी शिकायत नहीं होगी। पहली बात, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, वर्क क्या है, वर्क के हिसाब से प्रोग्रेसिव लेंस लेना है। पता चला मुझे खाली मोबाइल यूज करना है तो मैं फुल वाइडेस्ट वाला लेकर क्या करूँगा। ठीक है, तो आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बहुत सारी डिजाइनें होती हैं। तीन तरह की डिजाइन तो हर किसी के पास होती है, लो, मीडियम, हाई। लो मतलब कम है कॉरिडोर, मीडियम मतलब थोड़ा ज़्यादा है कॉरिडोर, और थर्ड वाला जो होता है हाई वाला, उसमें सबसे ज़्यादा है कॉरिडोर। कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ जो एरिया होता है जिसके थ्रू आप देखते हैं, फील्ड ऑफ विजन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आपका पावर जो है बिल्कुल पावर करेक्ट होना चाहिए, आपकी मेजरमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम पॉइंट नंबर तीन की बात करेंगे तो पॉइंट नंबर तीन में एडजस्टमेंट, जब बात आती है एडजस्टमेंट पे तो आपको लगता है कि कैसे एडजस्ट होगा, कुछ तो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आपको बता दूँ एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, वो हर किसी को चश्मा जो है कंफर्टेबल हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, सिर्फ आपको क्या करना है। तो एग्जाम्पल, ये आपका प्रोग्रेसिव लेंस है, आपने पहली बार डिलीवरी ली है और पहली बार चश्मे को पहना है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव लेंस में सिर्फ आपको ये ध्यान देखना है कि जो ऊपर का एरिया है वो दूर का है, जो बीच का एरिया है वो कंप्यूटर का है, जो नीचे का एरिया है वो हमारा पास का है। तो जब भी आप दूर में देखते हैं ऐसे देखना है अपने को। एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरा अगर कंप्यूटर है और अभी मुझे बीच का देखना है तो मुझे क्या करना है, ऐसे करना होगा। ठीक है, वही अगर मुझे अभी मोबाइल यहाँ पर देखनी है तो मुझे क्या करना है, ऐसे करना है। अब मेरे हेड की पोजिशन देखिएगा, ये मैं दूर में देख रहा हूँ, ये मैं अभी कंप्यूटर पे देखा और ये मैं अभी पास में देखा। अगर आप हेड मूवमेंट नहीं करेंगे, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट रीडिंग, प्रोग्रेसिव लेंस एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये तो था सामने की बात। अब बात करेंगे साइड में। पता चला पड़ोसी आपको बुलाया, हेलो मिस्टर यहाँ आइए, आपने क्या किया, ऐसे देखा, हेड नहीं घुमाया, हेड नहीं घुमाया। पता चला कोई पास से गुजर रहा है, आपने सोचा जस्ट खाली यहाँ कैसे घुमा के देखता हूँ कौन जा रहा है, नहीं दिखेगा भाई। प्रोग्रेसिव लेंस में हल्का सा साइड में डिस्टॉर्शन जरूर रहेगा। ठीक है, बट हाँ ये होता है कि अगर आप वाइडेस्ट एरिया होते हैं तो थोड़ी सी राहत आपको मिल जाती है, थोड़ा कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है आपका। तो अगर कोई साइड से आवाज़ दे तो आपको देखना कैसे है, ऐसे, बट इधर से भी कोई आवाज़ दे तो क्या करना है, ऐसे। तो ये था हेड मूवमेंट। सो अगर प्रोग्रेसिव लेंस में आप हेड मूवमेंट नहीं करेंगे तो प्रोग्रेसिव लेंस आपको कंफर्टेबल अभी क्या, कभी नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। फिर आप वही बोलेंगे भैया मैंने तो 1 लाख रुपए का चश्मा बनवाया प्रोग्रेसिव लेंस, वो भी मुझे कंफर्टेबल नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा, कि आपको पता ही नहीं है लगाते कैसे हैं प्रोग्रेसिव लेंस। 1 2 3, ये हो गया सामने एक पोजीशन। साइड की बात करेंगे तो इस साइड देखना है तो मुझे ऐसे टर्न करना है, इस साइड भी देखना है तो मुझे ऐसे टर्न करना है। अब वहीं अगर हम बात करेंगे पास के रीडिंग के एग्जाम्पल पर, आपकी जो बुक है इतनी चौड़ी है तो एक बार में पूरी किताब तो दिखाई नहीं देगी, तो आप बोलोगे क्या प्रोग्रेसिव लेंस दिया, पूरा किताब ही नहीं दिख रहा है, कहाँ से दिखेगा। उसमें भी तो वही फार्मूला आपको अप्लाई करना है ना, इधर जब पढ़ते हैं तो ऐसे देखना है ये वाला, इधर जब पढ़ते हैं तो मुझे ऐसे करना है इधर का पढ़ने के लिए। एक बार में आप सोचेंगे कि पूरी किताब दिख जाए तो नहीं दिखेगी, वो कब दिखेगी, जब आप हाईएस्ट कैटेगरी वाला लेते हैं प्रोग्रेसिव लेंस तो। ठीक है, मतलब हाई वाला जिसमें पूरी किताब एटलीस्ट आ जाए, नहीं तो उसमें भी हमको यही करना पड़ता है, इधर है तो ऐसे, ये पढ़ना है तो ऐसे। तो ये था पास के लिए भी। सो इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आप प्रोग्रेसिव लेंस बनवा रहे हैं, जो मैंने मेजरमेंट बताई पहले, एक जब प्रोग्रेसिव लेंस बनाते हैं तो 17 से 18 तरह की मेजरमेंट होती हैं, वो लेने के बाद अगर बनवाएंगे तो कंफर्टेबल होगा। ठीक है, जैसे फ्रेम टाइप, किस तरह का आपका फ्रेम हो गया, ए साइज, बी साइज, डी साइज जिसको आप डीवीएल बोलते हो, बाद में फिटिंग हाइट हो गया, पीडी हो गया,
और बाद में आपको फ्रेम फिट वैल्यू हो गई, फ्रेम का शेप क्या है, आता है जेट टिल्ट रैप जिसको आप बोलते हो, बाद में आता है पेंटोस्कोपिक टिल्ट। तो जब आप इन सभी को मेजर करेंगे तब जाके वो कंफर्टेबल होता है। FWD मतलब जो आप दूर पढ़ते हो वो डिस्टेंस कितनी होगी, पास की डिस्टेंस कितनी होगी, इंटरमीडिएट की कितनी होगी, ये सब कैलकुलेट करके जब प्रोग्रेसिलेंस बनाया जाता है तो प्रोग्रेसिलेंस आपको कंफर्टेबल होता है। इसीलिए हमेशा बोलता हूँ प्रोग्रेसिलेंस हमेशा अच्छी दुकान से बनवाएं। अगर आपका बजट नहीं है उतना, आपको लग रहा है कि लोकल दुकान से ही बनवाना है, तो लोकल वाले से ही बनवाइए, बट बोलिए भैया ये सभी मेजरमेंट ले ले ताकि जो मेरा चश्मा हो खराब ना हो। आपको फीडबैक ऐसा ना लगे कि नहीं मैंने चश्मा बनवा लिया मुझे कंफर्टेबल ही नहीं है प्रोग्रेसिलेंस। अरे कंफर्टेबल कहाँ से होगा, आपने तो स्टार्टिंग में ही गलती कर दी, मेजरमेंट कुछ लिया ही नहीं, आपने पावर दिया उसने बना के दे दिया, कंफर्टेबल हो ना हो आपकी गारंटी, हमने तो अपना काम करके दे दिया। सो आज की वीडियो में बस इतना है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजिएगा जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और जिनको प्रोग्रेसिव पावर आ गया है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो प्रोग्रेसिव लेंस बनवाने जाएँ तो इन बातों पर ध्यान रखें, प्रोग्रेसिव लेंस बनाएं कि वाकई में मेरी ज़रूरत क्या है, मुझे लेना क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।